This conference will now be recorded. Hello and welcome back Profit Family. मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आप सबका वापस स्वागत करता हूं. दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में. जी हां, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं. तो दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या प्राइवेट बैंक इंडस्ट्री अभी भी ग्रोइंग है कि नहीं. अगर ग्रोइंग है तो इसमें कौन सी है सबसे बढ़िया कंपनियां जहां पे दाव लगाया जा सकता है वेल्थ क्रिएशन के लिए. दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है जिससे दूर रहना पड़ेगा अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है तो दोस्तों गुड, बेटर, बेस्ट एंड वेस्ट के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे. हमें पता रहना चाहिए किससे दूर भी रहना है, राइट फ्रेंड्स? कम ऑन, आज का ये हम डिस्कशन हम शुरू करें. उससे पहले मैं आपको कुछ कमिंग इवेंट्स के बारे में जरूर बता दूं. दोस्तों जी हां, फरवरी 16 फरवरी हम लोग बेंगलुरु में मिलेंगे, 3 घंटे का सेशन. पुणे 7, 8, 9 फेब 3 दिन का प्रैक्टिकल सेशन. मार्च चेन्नई और हैदराबाद. इसी के साथ हम 2019 का साल खत्म करेंगे दोस्तों, राइट? चलिए दोस्तों बैंक, प्राइवेट बैंक इंपॉर्टेंट है कि नहीं. दोस्तों प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री सही में निफ्टी के लिए, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का निफ्टी 50 में 29% वेटेज है. 29, यानी बैंक निफ्टी को चला सकती है, बैंक निफ्टी को तोड़ सकती है. दोस्तों पीएसयू बैंक भारत में 12 है, ये 20 थी लेकिन 12 अभी हो जाएगी. कंसोलिडेशन गवर्नमेंट बैंक्स का हुआ है. प्राइवेट बैंक्स 21 है. यस, प्राइवेट बैंक में दोस्तों आईडीबीआई गवर्नमेंट बैंक गिनते थे, अब हम इसको प्राइवेट बैंक में गिनेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें मेजर होल्डिंग एलआईसी प्रमोटर हो चुका है, राइट? तो प्रेसिडेंट का स्टेक कम हो जाएगा जिससे आईडीबीआई को अभी प्राइवेट बैंक में गिनेंगे. उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी प्राइवेट बैंक में गिना जाता है. असल में यह है गवर्नमेंट बैंक, लेकिन इस बैंक का गवर्नमेंट को डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जनरल जो लॉ में कॉमर्शियल बैंक बनाई जाती है वो लॉ में नहीं है. जम्मू एंड कश्मीर का प्रमोटर गिना जाता है जम्मू एंड कश्मीर के सेक्रेटरी, राइट? तो उसके प्रॉफिट से डायरेक्ट सेंटर को कोई कंसर्न पड़ा नहीं है, राइट? इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट होते हुए भी प्राइवेट बैंक में गिना जाता है, राइट? हमने हमारे लिस्ट में नहीं लिया है. लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक 9 है. दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक का जन्म हुआ था कुछ साल पहले, यही पर्पस के साथ कि जो अनबैंक लोग हैं, जो रूरल में रहते हैं, वहां तक बैंकिंग को ले जाया जाए. और पेमेंट बैंक, दोस्तों डिजिटल इंडिया बनाने के लिए 6 पेमेंट बैंक है, जिसमें पेटीएम, एयरटेल, जियो, ये सारे पेमेंट बैंक में गिने जाते हैं. तो दोस्तों कुल मिला के 1.5 लाख ब्रांचेस हुई बैंक्स की, 2 लाख एटीएम है भारत में, 12 लाख करोड़ का ये सारी बैंक मिलके सेल्स करती है. यानी हम सब लोग मिलके इंटरेस्ट कितना भरते हैं, 12 लाख करोड़ का, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वो ये बैंक्स का धंधा है. दोस्तों प्रॉफिट खाली 12,000 करोड़ का है. दोस्तों प्रॉफिट 12,000 करोड़ का इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट बैंक्स में बहुत साफ सफाई चल रही है. तो गवर्नमेंट बैंक में हाई एनपीएस के कारण ह्यूज लॉसेस में कई बैंक्स है, जिसके कारण प्राइवेट बैंक्स का प्रॉफिट और गवर्नमेंट बैंक का लॉस मिला के टोटल करें तो 12,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है. दोस्तों ये भी हम इस साल प्रॉफिट में आ रहे हैं, 2018 में तो ये दोनों का टोटल करो तो 30,000 करोड़ का लॉस था, राइट? क्योंकि ह्यूज लॉसेस गवर्नमेंट बैंक्स ने पोस्ट किए थे, राइट? लेकिन आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्राइवेट बैंक के. प्राइवेट बैंक के साथ हम एक और चीज जाने बैंकिंग की. दोस्तों 2014-17 में दुनिया में 52 करोड़ बैंक अकाउंट नए ओपन हुए. हमें दोस्तों इस पे गर्व होना चाहिए क्योंकि इसमें से 55% अकाउंट तो खाली भारत ने खोले. दोस्तों एक खराब चीज थी, 2011 तक हम आजाद हुए, तब से 2011 तक हम देखे तो टोटल भारत में भले हम 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन 130 करोड़ में से खाली 35 करोड़ लोगों के अकाउंट्स थे.
दोस्तों एडल्ट देखे तो खाली 35% एडल्ट बैंक अकाउंट वाले थे, तो इट वाज नॉट एब्सोल्युटली अ गुड थिंग। कंट्री को आगे ले जाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूसिंग होना जरूरी है दोस्तों। मेल फीमेल कंधे से कंधा मिला के आगे चले ये जरूरी है, लेकिन फीमेल अकाउंट खाली 26% थे, तो दिस डेटा वर नॉट एब्सोल्युटली गुड। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुई और उसने कमाल किया दोस्तों। पिछले 4 साल में 32 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। जी हाँ, 1947 से 2011 तक 35 करोड़ अकाउंट खुले थे। पिछले 4 साल में 32 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। एडल्ट जिनके 35%, 35% एडल्ट बैंक अकाउंट वाले थे, ये आंकड़ा 80% पहुंच चुका है। और फीमेल खास करके जो खाली 26% इंडियन फीमेल के बैंक अकाउंट थे, ये आंकड़ा दोस्तों 77% पहुंच चुका है। तो हमें कहना पड़ेगा पिछले 8 साल बैंकिंग के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले थे। दोस्तों प्राइवेट बैंक की अगर हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों प्राइवेट बैंक 21 है, जिसमें मैंने जम्मू एंड कश्मीर भी गिन ली है और आईडीबीआई भी गिन ली है, राइट। उसमें से दोस्तों 21 में से 19 बैंक लिस्टेड है। ये 21 बैंक मिलके, ये सारे आपके सामने लिस्ट है दोस्तों, मैंने बताया 19 बैंक लिस्टेड है, ये 2 बैंक अभी भी लिस्टेड नहीं है, नैनीताल बैंक एंड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, राइट। अब ये 19 जो लिस्टेड बैंक है, ये इनका आंकड़ा है। जैसा हमने देखा कि सारी बैंक मिलके, सारी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मिलके, यानी पीएसयू प्राइवेट दोनों मिलके 12 लाख करोड़ का धंधा करती है, तो 5.5 लाख करोड़ का धंधा तो प्राइवेट अकेली करती है दोस्तों। 5.5 लाख करोड़ का अगर ये 19 बैंक मिलके करते हैं, 32,000 करोड़ का ये सारे लोग मिलके प्रॉफिट करते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, ये 32,000 करोड़ में हमने 15,000 करोड़ आईडीबीआई बैंक का लॉस भी गिन लिया है। अगर आईडीबीआई को हम प्राइवेट में नहीं गिनते तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 47, यानी 5.5 लाख करोड़ के धंधे में अंदाजित 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हमारी प्राइवेट बैंक्स करती है, राइट। लेकिन यस, हमें आईडीबीआई को गिनना रहेगा। सो वी विल हैव टू से दैट नेट आउट ऑफ ऑल प्राइवेट बैंक 32,000 करोड़ प्रॉफिट वी कैन सी दोस्तों। ये प्राइवेट बैंक्स को बनाने में 22,000 करोड़ रुपए लगे, इन्वेस्ट हुए, राइट। ये हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट, राइट। 22,000 करोड़ की इक्विटी से ये कंपनियों की शुरुआत हुई थी, और आज जैसा आप लोग देख रहे हो कि 22,000 करोड़ की इक्विटी पे सालाना 32,000 करोड़ के प्रॉफिट आने लगे हैं, राइट। यानी जो निवेश किया था प्रमोटर्स ने, उसका 1.5 गुना ये हर साल कमाने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो 1.5 गुना बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, सॉरी, 1.5 गुना बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत लॉस मेकिंग कंपनियां भी आ गई। परफॉर्मर ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। अब ये अगर हम 5.5 लाख करोड़ का अगर इनका धंधा भी देखे, तो दोस्तों देखने लायक चीज ये है कि 80% धंधा सिर्फ टॉप की 4 बैंक मिलके देती है। टॉप 4 यानी एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई, ये 4 बैंक मिलाए तो ये 4 बैंक का टर्नओवर एक तरफ और बाकी 17 बैंकों का टर्नओवर एक तरफ। तो दोस्तों आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज, कोई भी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर देखना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि जो कंपनी है वो धंधा करने में सक्षम है कि नहीं। दोस्तों जो कंपनियां धंधा नहीं कर सकती है, वो कंपनियां आगे नहीं बढ़ सकती है। तो नंबर 1 प्रायोरिटीज इज दे आर एबल टू मेक बिजनेस और नो, अगर वो लोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा शेयर कौन ले रहा है? यस, सबसे बड़ा हाइएस्ट सेल्स है आईसीआईसी बैंक का, 1,30,000 करोड़। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट उतना ही है, 1,24,000 करोड़, राइट। अब ये थे बिजनेस के आंकड़े। उसी प्रकार से अगर प्रॉफिट भी हम देखें, तो अगर हम
32,000 करोड़ का प्रॉफिट देखते हैं तो भी दोस्तों खास चीज यह है कि टॉप चार बैंक 80% प्रॉफिट करती है, बाकी 17 बैंक 20% प्रॉफिट करती है। तो मेजर कौन सी बैंक का कंट्रीब्यूशन हुआ? एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस एंड आईसीआईसी। यस, ये चार पे हमें ध्यान रखना चाहिए। यहां पे दोस्तों कुछ और चीज अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक, जिसका इक्विटी सबसे ज्यादा है, करीबन 13,000 करोड़ का निवेश हुआ, तब ये बैंक प्रमोटरों का, ये मैं इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, इनिशियल 13,000 करोड़ की इक्विटी लगी तब आईसीआईसीआई बैंक बनी और वो आज 4,500 करोड़ कमा रही है। कोटक बैंक देखे तो खाली 1,000 करोड़ से बनी पर 7,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो दे आर मोर स्मार्टर देन दिस बैंक, राइट? आप इक्विटी से प्रॉफिट और सेल्स देख के ये अंदाजे पे आ सकते हो। तो इतनी चीज तो क्लियर है कि मेजर बिजनेसेस जो कर रहे हैं, हमें फोकस दोस्तों यहां करना होगा। दोस्तों अगर मैं सोचता हूं कि प्राइवेट बैंक आने वाले समय में आगे बढ़ेगी तो मुझे, मैं कितनी बैंक के पीछे पड़ूंगा? ये 21 बैंक के पीछे पड़ूंगा, कभी ये अच्छी लगेगी कभी वो अच्छी लगेगी, तो मेरा डिसीजन बराबर नहीं है दोस्तों। मेरा डिसीजन रोज बदलना नहीं चाहिए। आज जो हम सोच रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं 2030 के लिए, तो ये प्लान हमारा बरसों तक रहना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि इंडस्ट्री में कुछ खराबी आए, पर कंपनियां जो हमने सिलेक्ट की है वो बरसों तक यही कंपनियां रहनी चाहिए, राइट? सो हियर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन सी कंपनियां बेहतर है। तो पहले मुझे ये चार बैंक मिली जो धंधा और प्रॉफिट करने में सक्षम है, राइट? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्वालिटी एनालिसिस पे। दोस्तों ये है क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस कैसे देखा जाता है दोस्तों? सबसे पहली चीज, सारी बैंकों ने धंधा तो किया पर वो धंधा कितनी क्वालिटी वाला था दोस्तों? क्वालिटी होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आप, मैं, प्रमोटर, हम सब स्टेक होल्डर कमाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप, मैं, हम क्या कमाएंगे? हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों बैंकों के केस में प्रॉफिट आता है, जितनी कम एनपीए हो उतने हाई प्रॉफिट, क्योंकि बैंक सिर्फ अगर सबको लोन देती जाए बिना देखे कि भी ये लोन मेरी रिकवर होगी कि नहीं, तो उनके एनपीए बढ़ेंगे। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी बैंक ज्यादा सक्सेसफुल रही कम एनपीए लाने में। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कौन सी बैंक के कम है, ये मैंने ग्रॉस एनपीए लिखे हुए हैं, राइट? ग्रॉस एनपीए मैं हमेशा इसलिए लिखता हूं, मैं नेट एनपीए नहीं लिखता हूं, क्योंकि नेट एनपीए की शुरुआत ही ग्रॉस एनपीए से होती है, तो क्यों ना मैं पहले ग्रॉस एनपीए ही देखूं, अचानक मुझे कभी झटका लगे, राइट? तो मैं बरसों से जीएनपीए ट्रैक करता हूं, यहां पे भी जीएनपीए के ये आंकड़े हैं दोस्तों। आप देख सकते हो सबसे स्मार्ट पूरी बैंकिंग वर्ल्ड में एचडीएफसी बैंक है, 1.4% एनपीए। दोस्तों आईडीबीआई आप देख रहे हो 29.4%। सोच सकते हो कि जितनी एसेट्स है आईडीबीआई बैंक की, उसमें से 30% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो डेट इज एब्सोल्युटली, डेट वॉज नॉट गुड थिंग। और इसी की वजह से एलआईसी को स्टेक लेना पड़ा, राइट? बंधन बैंक, यस, पर बंधन एक रूरल बैंकिंग है जो कम टिकट साइज में बिजनेस होता है, तो यहाँ पे एनपीए थोड़ी कम रहती है, राइट? तो हम बंधन को डायरेक्ट एचडीएफसी या इंडस से कंपेयर नहीं करेंगे। उसके अलावा कि अगर कोई बैंक देखे तो इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, यस, ये लोग स्मार्ट है जो कम एनपीए से अपने बिजनेस को करते जा रहे हैं, राइट? जहां पे यस बैंक 5 NPA, नॉट गुड एट ऑल, एक्सिस बैंक 5, कोटक बैंक 5, आप देख सकते हो आईसीसी बैंक 6, करूर व्यसा 9, सीएसबी बैंक जिनका अभी आया आईपीओ आया 5, धनलक्ष्मी, ये सब खराब है, इन सब से दूर रहना चाहिए। ये कुछ बैंक है जहां पे हमें फोकस करना चाहिए दोस्तों। कम एनपीए की वजह से ही इन बैंक्स के मार्जिन हाई है। मार्जिन मतलब, देखो एचडीएफसी बैंक ने 1.5 लाख करोड़ का धंधा किया पर कम एनपीए की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे थे, इसीलिए एचडीएफसी बैंक 23,000 करोड़ प्रॉफिट कर सके।
आईसीआईसीआई बैंक देखे तो उनके एनपीए 6% थे, जिसकी वजह से उनके मार्जिन कम है, और इसी वजह से 1.5 लाख करोड़ का धंधा करने के बावजूद ये लोग खाली 4-5 हजार करोड़ कमा रहे। तो क्यों कम है कमा रहे? क्योंकि इनके मार्जिन कम है। मार्जिन क्यों कम है? क्योंकि इनके एनपीए ज्यादा है, राइट? तो सीधी सी बात है, हमें उन बैंक पे ध्यान रखना पड़ेगा जो बैंक्स के हाई मार्जिन है। मुझे सबसे बढ़िया मार्जिन्स की अगर कोई बैंक दिख रही है यहाँ पे, तो वो अगेन दोस्तों एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी, कोटक, इंडसइंड या सीयूबी के भी मार्जिन अच्छे हैं। ये सारी बैंक बढ़िया मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, पर सीयूबी को मैं बंधन के साथ कंपेयर करूंगा, राइट? बंधन के डेफिनेटली पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में अच्छे मार्जिन है, पर इनके क्लाइंट बेस भी अलग है, राइट? अब कम एनपीए हुई, बढ़िया मार्जिन हुआ, तो क्या हुआ? जो स्टेक होल्डर ने जो इक्विटी लगाई थी उस पे बरसों कमाए। इसीलिए दोस्तों एचडीएफसी बैंक का आरओई सबसे बढ़िया है। आरओई हम क्या मानेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कितना पैसा प्रमोटर्स का लगा है और वो कितना कमा रहे हैं, राइट? तो हमने पहले ही देखा इक्विटी और प्रॉफिट। चलिए वापस हम लोग इक्विटी देख लेते हैं एक बार। देखिए 600 करोड़, ऑलमोस्ट 550 करोड़ का पैसा लगा है और दोस्तों 23,000 करोड़ कमा रहे। ह्यूज आरओई, कितना वेल्थ क्रिएट प्रमोटरों ने किया है। सेम थिंग इन कोटक, 1,000 करोड़ का निवेश है, 7,500 करोड़ तो सालाना कमा रहे। तो आप देखोगे यहाँ पे कोटक का भी आरओई देखो 7.5 का है, सो दैट इज गुड थिंग। अब ये सब लोग को प्रमोटर नहीं कमाए यार, हम क्या कमाएंगे, है कि नहीं, राइट? आप देख सकते हो ह्यूज एनपीएस, कम एनपीए, कम एनपीए वालों के पास रहे, अच्छे मार्जिन वालों के पास रहे, नेगेटिव मार्जिन वालों से तो बिल्कुल दूर रहे, तभी आरओई हमारी भी अच्छी होगी। देखो पुराने प्रमोटर की आरओई अच्छी आई है, हम अच्छे में निवेश करेंगे, हमारी आरओई बढ़िया रहेगी, राइट? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज एनपीए प्राइवेट बैंक्स के, साढ़े तीन है, राइट? मार्जिन इन लोगों के अच्छे हैं, आरओई बढ़िया है, राइट? तो मेरा ध्यान वापस से वही बैंक पे आ रहा है, एचडीएफसी, कोटक बैंक, राइट? यस, इंडसइंड आल्सो गुड, बंधन अच्छा है, बराबर। ये सब बैंक से हरगिज दूर रहा जाए, राइट? दोस्तों अब हमने क्वालिटी की चर्चा की कि देखो मार्केट शेयर कोटक का, एचडीएफसी का, आईसीआईसी का बढ़िया है मार्केट शेयर, पर क्वालिटी वाइज देखे तो आईसीसी हट जाती है, वहां पे बंधन बैंक भी आती है, इंडसइंड बैंक भी आती है, पर वो दोनों का मार्केट शेयर एचडीएफसी कोटक जैसा नहीं है। तो अभी तक कौन टिका है क्वालिटी एनालिसिस में? कोटक और एचडीएफसी बैंक। तो मेरे पास दो ही खिलाड़ी है जिसपे मेरे को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं ग्रोथ एनालिसिस करूंगा। मैं ग्रोथ एनालिसिस इसलिए करूंगा क्योंकि कुछ बैंक अगर छोटी है पर अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है और वो साथ में अगर बढ़िया ग्रोथ करती है, बड़ी बड़ी बैंकों से ज्यादा ग्रोथ करती है और क्वालिटी मेंटेन है, तो ये छोटी बैंक के भी बड़ी हो जाएगी और बड़ी बैंक को टक्कर देगी। क्वालिटी ग्रोथ दोनों अच्छा होना चाहिए। प्राइवेट बैंक के केस में हमने देखा जो बड़ी बैंक है उन्हीं की क्वालिटी अच्छी है, और ग्रोथ वाइज देखो तो देखो यस बैंक का डेफिनेटली ग्रोथ बहुत बढ़िया था, बढ़िया है, लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ इनका इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हाई एनपीए इनके प्रॉफिट खा गई। सो ग्रोथ वाइज यस बैंक इज डेफिनेटली गुड। देखो कोई भी नई बैंक आती है उन वो कई जगह पे ब्रांचेस नए नए अपने ओपन करती है, तो ग्रोथ की जगह उनके लिए अच्छी होती है, पर उनको कुछ लोन में प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी असर करती है। यही चीज हमको यहां देखने को मिल रही है। यस बैंक या इंडसइंड बैंक का देखो ग्रोथ भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। कोटक बैंक बढ़िया ग्रोथ, क्वालिटी वाइज क्या कहने दोस्तों। ये सारी बैंक दिख रही है आपको 30-30, 40-40, 25-25% के सीएजीआर से पिछले 2 दशक, पिछले 1 दशक से धंधे बढ़ते जा रहे हैं।
अब यहां पे भी आप अगर ये सारी बैंक देखो, देखो ना तो इनके में क्वालिटी थी और ना ये लोग ग्रोथ कर रही है, क्या करेंगे फिर, राइट? इन सबसे हरगिज दूर रहा जाए, खाली हाई क्वालिटी हाई ग्रोइंग बैंक पे ध्यान रखा जाए। देखो आरबीएल का भी ग्रोथ वाइज बढ़िया ही है, राइट? बंधन बैंक वंडरफुल ग्रोथ, राइट? क्योंकि इनका तो मार्केट ही कुछ और है, बराबर है। सो हियर ऑल्सो वी कैन सी प्राइवेट बैंक, देखो पिछले 20 साल में 30-29% के सीएजीआर से इनका धंधा बढ़ा, 21% के सीएजीआर से 2 दशक में प्रॉफिट बढ़ा, 24% के सीएजीआर से 1 दशक पिछले 10 साल में धंधा बढ़ा, 16% की सीएजीआर से पिछले 10 दशक में प्रॉफिट बढ़ा, राइट? हमें यह मानना पड़ेगा कि ग्रोथ वाइज तो प्राइवेट बैंक बढ़िया है। अगर इन लोगों ने इतना बढ़िया ग्रोथ धंधे में और प्रॉफिट में किया है तो इन्होंने रिटर्न कैसा दिया, आइए दोस्तों ये हम देखते हैं। दोस्तों आपके सामने है, पिछले 2 दशक में देखे तो कोई भी बैंक का नेगेटिव रिटर्न नहीं है, सिवाय धन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। देखो 25 साल का रिकॉर्ड लक्ष्मी विलास बैंक का देखे तो भी माइनस ग्रोथ है, क्यों? वो हमने क्वालिटी में देख लिया। 10 साल का रिकॉर्ड भी देखे तो भी कुछ बैंकों का नेगेटिव है। दोस्तों अगर पिछला 2 डिकेड देखे तो सबसे बढ़िया रिटर्न किसने दिया है दोस्तों, अगेन आ जाती है आपकी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्रोथ भी इन्हीं बैंकों ने बढ़िया किया था, क्वालिटी भी इन्हीं बैंक की बढ़िया थी, तो देखो सीधा रिफ्लेक्ट हुआ आपके भाव में। सोचो 27% के सीएजीआर से पिछले 25 साल से इनके धंधे बढ़े हैं, पिछले 10 साल भी 25% के सीएजीआर से इनका भाव बढ़ा है, ये भाव है, सॉरी, राइट? मैं एक चीज बता दूं, प्राइवेट बैंक जो आपको दिख रही है 24% के सीएजीआर से 2 दशक में पैसा बढ़ा है, अगर कोई कंपनी आपको 24% के सीएजीआर से पैसा देती है 2 दशक में, इसका मतलब कि आपका पैसा 74 टाइम हुआ, कितना हुआ? 74 टाइम्स, लाख का 74 लाख वैल्यू हुई, राइट? अब ये तो आपने प्राइस में इफेक्ट देखा। दोस्तों कंपनियां जैसे जैसे कमाती है वो हर साल डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब एचडीएफसी कोटक जैसी बैंक देखो तो ये सारी कंसिस्टेंट बैंक है, इन्होंने बरसों से डिविडेंड दिए। दोस्तों एचडीएफसी बैंक अपने प्रॉफिट का 18% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कोटक 2% डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों कोटक कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसीलिए प्राइस वाइज आप देखो तो वो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा उसमें इफेक्ट आई है। एचडीएफसी का ग्रोथ ज्यादा है, फिर भी डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से कोटक से थोड़ा कम प्राइस एप्रिसिएशन है, राइट? कुछ बैंक, ये सारी बैंक अगर आपके पास है तो आप इनको 10-10 साल से लेके बैठे हो, अभी भी 0 डिविडेंड और भाव में भी कोई फर्क नहीं, राइट? तो दोस्तों इन सब बैंक से दूर रहा जाए, हाई क्वालिटी में निवेश किया जाए ताकि बरसों कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिले और प्राइस एप्रिशिएशन भी दोस्तों तगड़ा हो, राइट फ्रेंड्स? चलिए करंट ट्रेंड क्या है, हमने ओवरऑल देख लिया कि इन्होंने तो 2 दशक में कमा के दिया है। दोस्तों 2 दशक में कमा के इसलिए दिया है क्योंकि पहले हम लो पेनेट्रेटेड थे, पर आज तो दोस्तों 80% लोगों के अकाउंट खुल चुके हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों अभी ये लोग बैंकिंग करेंगे तो यस, प्रॉफिट के दिन तो अभी इन लोगों की शुरू हुए हैं। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, हम जैसे आधे ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंचे ये सारी बैंक बड़ी हो गई, हम जैसे 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन पहुंचेंगे ये सारी बैंक और बड़ी होगी। दोस्तों करंट ट्रेंड क्या है, दोस्तों करंट ट्रेंड देखे तो प्राइवेट बैंक का धंधा इस साल भी 18% से बढ़ा है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ग्रोइंग इंडस्ट्री ये है, एक जमाने में ये इमर्जिंग इंडस्ट्री थी, आज मैच्योर, आज बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, अभी भी लेकिन ये ग्रोइंग इंडस्ट्री ही है। दोस्तों इतना बढ़िया ग्रोथ 18% यानी बढ़िया हुआ, आप सोचो इंडिया की जीडीपी अभी म्यूटेड है क्योंकि वर्ल्ड की जीडीपी म्यूटेड है, अब भारत खुद रूपी टर्म में अगर 8-9% से बढ़ रहा है,
ये इंडस्ट्री अगर 18% से बढ़ रही है तो कोई डाउट नहीं, दिस इंडस्ट्री इज आउट परफॉर्मिंग इंडिया। तो बैंक्स को बढ़िया चलना है, प्रॉफिट आप देखो तो 23% के एवरेज से इस साल बढ़े हैं, तो कोई डाउट नहीं दोस्तों, ये साल 18% धंधा बढ़ा, 23% प्रॉफिट बढ़े, तो प्राइवेट बैंक का परफॉर्मेंस बढ़िया रहना चाहिए। सिवाय कुछ, यहाँ कुछ में आपको दिख रहा है दोस्तों, आईडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक के प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधे हुए एनपीए बढ़ने की वजह से, आईडीएफसी बैंक, यस बैंक देखो -124, अभी से समझ जाना पड़ेगा कि इस साल यस बैंक लॉस पोस्ट करने वाली है। आईडीबीआई तो है ही लॉस मेकिंग, लक्ष्मी विलास लॉस मेकिंग, राइट। तो अगर अभी मैं इस चीज के हिसाब से करंट ट्रेंड देखू तो करंट ट्रेंड भी तेजी में ही है, राइट। अब करंट ट्रेंड अगर तेजी में है, इन कंपनियों के बिजनेस प्रॉफिट इस साल भी बढ़िया है, देखो आईसीआईसीआई बैंक 170%, सो गुड, राइट। आईसीआईसीआई बैंक पिछले साल ऑलमोस्ट लॉस किया था, तो इस बार उनके अंदर जंप अच्छा है। चलिए दोस्तों, करंट ट्रेंड हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। करंट ट्रेंड के साथ दो चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता देना चाहूंगा आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैं एवरेज देखूं तो 4% है दोस्तों, 4% यानी बहुत कम नहीं है पर ज्यादा भी नहीं है, यानी एचडीएफसी बैंक अगर मैं ये भाव पे बाय करता हूं तो मुझे 4% यील्ड मिलती है, राइट, जो कम है। अगर यील्ड के भाषा में देखो तो 4%, पी के भाषा में देखो तो 25, यानी 25 यानी मेगा पी है। तो सीधी बात है दोस्तों कि कई लोग क्या करते हैं, सस्ते पी वाली कंपनियां बाय करते हैं, ज्यादा यील्ड वाली, वो गलत चीज है। पहले मुझे क्वालिटी देखनी है, ग्रोथ देखना है, जिसमें क्वालिटी है वही चीज मुझे सस्ती लेनी है। अगर मैं क्वालिटी वॉलिटी देखे बगैर खाली सस्ता बाय करूंगा तो देखो आपके हाथ ही लक्ष्मी विलास, आईडीबीआई, कर्नाटक बैंक, आईडीएफसी लगेगी जिसकी क्वालिटी नहीं है, राइट। अब आपको कभी भी एचडीएफसी कोटक सस्ता नहीं दिखेगा तो आप तो कभी लोगे ही नहीं, राइट। अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो यही तो सबसे बढ़िया है। अब मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, जब जब बाजार गिरे बाय ड्यूरिंग फॉल, ये भाव सस्ता नहीं है, मुझे झटके की जरूर पड़ेगी, झटका यानी बाजार जब भी गिरता है, आई कैन बी एग्रेसिव एंड बाय दिस बैंक्स, राइट फ्रेंड्स। तो 27 के पीई पे ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक है, अगर गिरेगा मुझे ये 20-21 के पीई पे मिलता है, देन इट्स वेरी गुड, राइट फ्रेंड्स। ये मैंने एचडीएफसी बैंक का पूरा इतिहास आपके सामने दिया हुआ है, सॉरी एचडीएफसी बैंक देखिए 1250 भाव है। आप इसकी हिस्ट्री देखो तो कंसिस्टेंट बिजनेस बढ़ा है दोस्तों, 20% का सीएजीआर ये 19 साल का, सॉरी 28% के सीएजीआर पिछले 19 साल का दोस्तों। 1500 करोड़ वाली बैंक 1.5 लाख पहुंच गई दोस्तों, 200 करोड़ के प्रॉफिट वाली बैंक 23,000 करोड़ पहुंच गई, यानी 200 का 2,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं, 200 का 22,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गई, तो 100 गुना अगर प्रॉफिट बढ़ा है, इसीलिए इस बैंक ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट दोस्तों करके आपको दी है, राइट। कंसिस्टेंट, एक साल ऐसा नहीं जब धंधा कम, एक साल ऐसा नहीं जब प्रॉफिट कम, एक साल ऐसा नहीं जब लॉस किया है दोस्तों, ऐसी कंसिस्टेंट कंपनी के साथ रहे। मैं 2030 में आशा रखूंगा कि ये बैंक करीबन 9 लाख करोड़ के धंधे तक पहुंच सकती है, राइट। ये बैंक 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे दोस्तों आने वाले 3-4 साल में पहुंच जाएगी। ऑलमोस्ट मैं आशा रखूंगा 2025 तक ये बैंक 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट तक भी पहुंच जाए, तो बढ़िया वेल्थ हो सकते हो। आपको लगेगा इतना सारा कैसे कर सकती है दोस्तों, इसे कंपेयर करो आप चाइना के साथ, चाइना का इकोनॉमी इंडिया जैसा था, वो भी हमारी तरह गरीब कंट्री थे, वो भी ऐसी कंट्री थे जिनका जीडीपी बिल्कुल कम था, जीडीपी पर कैपिटा कम था, लेकिन पिछले 25 साल में उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया है दोस्तों।
आज भी वर्ल्ड में देखें तो इंडिया और चाइना ही है जो ग्रोथ कर रही है, पर चाइना हमसे 20 साल पहले से ग्रोथ कर रही है, हम 2000 से ग्रोथ की स्टोरी पे आए हैं। दोस्तों चाइना 1980 से ग्रोथ की सीढ़ी पे चढ़ चुकी थी, तो वो हम 20 साल आगे है। दोस्तों इनकी भी बैंक्स हमारी जैसे स्टार्ट हुई थी, पर आज इनकी जो बैंक है, हमारी ये जो बैंक 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, सबसे बड़ी बैंक दोस्तों, उनकी बैंक 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। एक नहीं, चाइना की 4 बैंक है जो 2-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर पा रही है। तो दोस्तों हमारी भी यात्रा बहुत दूर तक है। अगर मैं सोचूं कि बैंक में कौन मुझे कंसिस्टेंट इनकम दे सकता है, कौन वो ऊंचाई पे जा सकता है, तो मेरे सामने यही नाम आता है दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज। उनका जो स्टॉक ब्रोकिंग जो फर्म है वो भी दोस्तों अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ये 9 महीने का ही प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100 करोड़ का है। HDB फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस में जो है ऑलमोस्ट 350 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट ये 9 महीने का है, तो इनके भी IPO हम आने वाले टाइम में देखेंगे, तो वैल्यू अनवाइंडिंग होगी दोस्तों। लेकिन मुझे बाय कब करना है, फॉल में 1000 के करीब अगर मैं बाय करता हूं, 1000 के करीब, तो मेरे लिए ये एक अच्छी डील होगी। इस साल 1000 के करीब अगर मैं बाय करता हूं, मेरा टारगेट 2030 तक का 6,500-7,000 जैसा रह सकता है, राइट। कंसिस्टेंट मुझे डिविडेंड मिलेगा HDFC बैंक में से, राइट। दिस शुड बी माय एक्सपेक्टेशन। ये है चार्ट HDFC बैंक का, राइट। देखो जबरदस्त रैली में है, लेकिन हर बार बीच में ये झटके आते हैं, कितना टाइम ये करेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो कभी भी रैली में कोई SIP मत करो, रैली में बाइंग मत करो, पर जैसे करेक्शन मोड आता है, ये करेक्शन में ही बाइंग करो। जब जब करेक्शन आए, वी नीड टू स्टार्ट SIP। देखो यहां पे भी ये महीना अगर हम देखें तो 4-1 महीने बाद ये वापस लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज बनाने की तैयारी में है। यानी सीधी बात है, HDFC बैंक वापस एक करेक्शन मोड में एंटर हो रहा है, तो मुझे एक्टिव हो जाना है, वापस SIP कर सकते हो। जिन लोगों को लमसम बाय करना है, 1000 रुपए के आसपास आता है, तब आप बाय करो, राइट। सो बाय ड्यूरिंग फॉल, बाइंग कैन बी डन ईयर 1000 रुपीज, राइट। वेल्थ क्रिएशन हो सकती है जरूर यहाँ पे। HDFC बैंक के प्रमोटर कौन है? HDFC, राइट। तो मेन HDFC जो है वो इनके प्रमोटर है। LIC के पास भी अच्छा खासा माल है HDFC बैंक का, राइट। हाँ मुझे पता है, आप लोग आप बोलोगे हमारे पास भी है, सही बात है, आपके पास भी है। देखो सबसे बड़ा वॉल्यूम कब आया था दोस्तों? बड़े वॉल्यूम लोअर लेवल पे ही आते हैं, दिखता है ना। ये वो जगह थी 2008 का फॉल, जब बड़े खिलाड़ियों ने बाय किया था, राइट। तो दोस्तों ऐसे जब जब झटके लगे तभी बाय करें, राइट। अभी भी ये जो टाइम है दोस्तों, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे भी आया हुआ था। दिस वॉज द टाइम व्हेन अगेन वी हैव सीन सम मोर बाइंग्स, राइट। इसके साथ कोटक बैंक का भी ये चार्ट आपके सामने है दोस्तों। कोटक बैंक जबरदस्त तेजी किया 2008 में फॉल के दरमियान, बड़े बाइंग आए थे, वॉल्यूम दिख रहे हैं आपको। अभी भरपूर रैली में है, पर हर बैंक दोस्तों करेक्शन मोड में आती है दोस्तों। कितना महीना नहीं चला यहाँ, कितना महीना नहीं चला यहाँ, कितना महीना नहीं चला, ऐसा टाइम वापस आएगा, ये नहीं चलेगा। डेट विल बी टाइम फॉर एक्यूमुलेशन, राइट। बाइंग कैन बी डन नियर 1300, 1600 चल रहा है, 1300 के फॉल आने दो और तब बाय करो। SIP करने वाले इस फॉल में बाय कर सकते हैं, राइट। देखो कोटक प्राइम कार फाइनेंस की कंपनी 350 ऑलमोस्ट 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। कोटक लाइफ 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। कोटक म्यूचुअल फंड 450 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। कोटक सिक्योरिटीज 350 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। देखो ये सब भी वैल्यू अनवाइंडिंग होगा आने वाले 5-1 साल में, हम इनके भी IPO देखेंगे, है ना। सो कोटक इज अ गुड बैंक, राइट। ICICI बैंक, देखो ICICI बैंक की कुछ डिटेल यहाँ पे मैंने डाली हुई है। 2003 में जब ये 1300 करोड़ का धंधा करते थे, ये 1200 करोड़ का प्रॉफिट करते थे। 2010 ये 60,000 करोड़ का धंधा करने लगे, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करते थे। यानी ICICI बैंक 5 टाइम्स बड़ी, उनका धंधा 5 टाइम्स बड़ा, उनका धंधा प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा 2003 से 2010 के दरमियान, ये 7 साल में। मैंने 2010 का आंकड़ा इसलिए दिया है क्योंकि ये 2010 वो टाइम था जब मैं बाय करता था, तो मैंने उनके ये डेटा देखे थे। मैंने दोस्तों उस समय HDFC बैंक कंपेयर किया, मैंने देखा यार HDFC 9 गुना उन्होंने धंधा बढ़ाया, 8 गुना प्रॉफिट बढ़ाया, NPA भी कम थे। दोस्तों कोटक बैंक यही 7 साल में 40 गुना धंधा बढ़ा, 250 गुना प्रॉफिट बढ़ा। देखो 250 करोड़ से 10,000 करोड़,
50 करोड़ से 1300 करोड़, तो आप मेरे को बताओ मुझे क्या सिलेक्ट करना था, ये और ये, राइट। मैंने मेरा ज्यादा होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में डाला, क्यों? क्योंकि ये बड़ा धंधा करती थी, ग्रोथ भी अच्छा था, कोटक के धंधे थोड़े कम थे, तो मेरी प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक पे ज्यादा रही, राइट। आज दोस्तों अगर हम देखें तो कोटक और एचडीएफसी ने कंसिस्टेंसी, वो उस समय भी कम एनपीए वाले थे, आज भी कम एनपीए वाले हैं, लोगों का फेवरेट आईसीआईसी था, मेरा फेवरेट भी आईसीआईसी था, पर दोस्तों मेरा निवेश हुआ एचडीएफसी और कोटक में, क्यों? ड्यू टू दिस डेटा, थैंक्स गॉड, डेटा हैव हेल्प मी। आज दोस्तों 2020 की ओर है, आईसीआईसी बैंक जो 5.5 हजार करोड़ का प्रॉफिट करता था 11 हजार करोड़ पहुंचा है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना प्रॉफिट बढ़ा, 6% एनपीए। एचडीएफसी बैंक का देखो पिछले 9 साल में 10 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, 3000 करोड़ से 28000 करोड़ पहुंचे, अभी भी उनके एनपीए कम है। कोटक 7.5 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ा पिछले 9 साल में, अभी भी उनके एनपीए कम है। सो आई एम ग्लेड आई टुक डिसीजन टू बाय दिस बैंक, राइट। दोस्तों डेटा बेस रहेंगे तो डिसीजन हमेशा अच्छा रहेगा, राइट। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट आपके सामने है, आप इसे कई लोगों के पास आईसीआईसीआई बैंक होगा, करंट ट्रेंड अच्छा है, फॉल में बाय करें। आप में से जो भी लोगों के पास है 400 रुपए तक अगर इसमें गिरावट आती है तो एक अच्छा भाव रहेगा बाइंग का, राइट फ्रेंड्स। एनीथिंग बाय ड्यूरिंग फॉल्स, ये कौन गिर रहा है? हम नहीं गिर रहे हैं, ट्रेडर होके स्टॉप लॉस आएंगे और रोज गिरेंगे, तो जब ट्रेडर के स्टॉप लॉस आते हैं बोलते हो बाय गॉड बहुत मार पड़ी, बाजार का बिल्कुल ठिकाना नहीं, हम शेयर बाजार कल से छोड़ देंगे, तब हमें एक्टिव होना है, राइट। क्योंकि जब लोगों के स्टॉप लॉस आते हैं तब आपके बाइंग लेवल आते हैं दोस्तों। बाय ड्यूरिंग फॉल एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली शुड बी योर मंत्रा, राइट। डिस्क्लोजर, डू नॉट बाय और सेल बिफोर कंसल्टिंग योर एडवाइजर एज द स्पीकर मे हैव द पोजीशन इन द अबाउ गिवन स्टॉक एज पर सेबी। ये डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया है, सेबी सही कहती है, किसी और के भरोसे पे किसी और की एडवाइस से नहीं लेना चाहिए, आप खुद को पसंद आए, खुद का रिसर्च हो तभी बाय करो, राइट फ्रेंड्स। सो मिलेंगे दोस्तों, ये सारे रिपोर्ट हमने प्रॉफिट फ्रॉम इट की साइट पे ऑलरेडी अपलोड की अपलोड कर कर दिए हैं, आप चाहो तो ये सारे रिपोर्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री के साइट से देख सकते हो, राइट। फेसबुक के पेज पे भी हम रेगुलरली ये सारे रिजल्ट अपलोड करते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद।